सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपको पार्श्व पश्चिमोत्तानासन बतलाने जा रहा हूं। यह आसन उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, जिनको मोटापा सताता है, जिन्हें अनियमित रक्तचाप है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, जिन्हें भूख नहीं लगती है, कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, सांस की परेशानी है, घुटने में दर्द है, गुर्दे में दिक्कत है, गैस बहुत सताता है, तो इन सब समस्याओं मुक्ति के लिए इस आसन को किया जा सकता है। यह बहुत ही लाभकारी आसन है, शरीर को स्लिम बनाए रखता है। तो इस आसन को करने की जो अवधि है वह 1 मिनट से 3 मिनट के बीच है, कम से कम 1 मिनट होना चाहिए और 3 मिनट तक आप ले जा सकते हैं इसे। इसे प्रातःकाल सायंकाल किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन दोनों समय भी किया जा सकता है। जिन्हें अत्यधिक समस्या है वे दोनों समय भी कर सकते हैं, और किसी भी आयु वर्ग के लिए यह उचित है। सिर्फ गर्भवती महिलाएं इसे नहीं कर सकती हैं। और यह जो आसन है, इसको करने के पहले आप स्वच्छ क्रिया से निवृत्त हो लेंगे और खुले स्थान पर दरिया कंबल बिछा करके बैठ जाएंगे और ढीले डाले कपड़े पहने रहेंगे। और थोड़ा सा कठिन आसन है यह जरूर, तो इसलिए पहले जो है पश्चिमोत्तानासन करेंगे, और पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे तब इस पार्श्व पश्चिमोत्तानासन को, बल्कि यह पार्श्व पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, तो इसलिए यह थोड़ा जटिल आसन माना जाता है। तब इसके बाद ही इसको करेंगे। तो जिनको शुरू में परेशानी होती है, शरीर जिनका अलाउ नहीं कर रहा है, तो वे पहले पश्चिमोत्तानासन सीख लें, फिर पूर्ण पश्चिमोत्तानासन सीख लें, उसके बाद ये पार्श्व पूर्ण पश्चिमोत्तानासन करेंगे। तो यह जो आसन है थोड़ा जटिल आसन है, और इसकी अवधि मैंने बता दी आपको। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। इसे लेट करके करते हैं, दोनों पैरों को दोनों हाथों से फंसा लेते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को घुटने से लगा लेते हैं, पैर सीधा बना रखता है। बाईं तरफ करते हैं पहले, फिर दाईं तरफ करते हैं, दोनों तरफ से बारी बारी से इसे किया जाता है। इस तरह से लेट गए, अब इसके बाद इसको जो है पैर से फंसा लेंगे। इस तरह से फंसा लिए, फिर पैर को सीधा कर देंगे और फिर को सटाएंगे घुटने से। पैर को सीधा कर लिया गया, अब घुटने से सटाएंगे। इसी क्रिया को दाहिने ओर से करते हैं। लेट गए, पैर को फंसा लेंगे हाथों से, फिर पैर को सीधा कर लेंगे।
चाहें तो इस एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में सुविधा रहे। तो इसमें इतना ही है, आप इसे अपने करीबी लोगों को भी बताएं ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं।